ठीक ठीक चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो कल इसी हॉल में हमने यहां पर एक फिल्म दिखाई थी, द क्वांटम इंडियंस के नाम से। तो उसमें तीन बड़े इंडियन फिजिसिस्ट, प्री पार्टीशन साहा, मेघनाथ साहा आई आकर बैठ जाए इधर। हाँ, मेघनाथ साहा, एस एन बोस और सी वी रामन, और उन्होंने इंडिया में क्वांटम फिजिक्स और मॉडर्न साइंस की शुरुआत की, उसकी दाव बेल डाली। सी वी रामन को तो नोबेल प्राइज मिला, जो दूसरे दो थे वो बहुत बड़े माने जाते हैं। एस एन बोस, जो आइंस्टाइन के साथ काम कर चुका था, उसने कलकत्ता में बैठकर, ढाका में बैठकर उसने एक ऐसा पेपर लिखा है जिससे हमें ये पता चला कि रोशनी दरअसल जर्रों पर मुश्तमिल है, और हर जर्रे की एक मखसूस एनर्जी होती है जो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ी हुई होती है। उससे बोजोंस का एक नया तस्वुर जन्म लेता है, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो इकट्ठा होना पसंद करते हैं, और जो क्लासिकल पार्टिकल से इस लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो उसका नाम बहुत बड़ा है क्वांटम फिजिक्स के औराक में, मेघनाथ साहा, जिसने ये जाना कि जब कि सूरज और दीगर सितारों के दर्जे हरारत को कैसे मालूम किया जा सकता है उनसे आने वाली रोशनी का तजिया करके, और फिर सीवी रामन, जिसने ये साबित किया कि जब रोशनी किसी मटेरियल में से गुजरती है तो उसका रंग बदल सकता है, और जब रंग बदलता है तो उसकी उसने तौजीही पेश की, और इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियादें मजबूत हुई, उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिहाज से इन लोगों का अच्छा खासा काम था। इन सब की पैदाइश कुछ 20 और 30 साल के वक्फे के अंदर हुई। तो उसके बाद मैं अब आज के मौजू की तरफ आता हूं, प्रोफेसर अब्दुल सलाम। तो सलाम की पैदाइश सन 1926 में हुई। उस वक्त ये तीनों क्वांटम इंडियंस हयात थे, तो बहुत बाद में उनकी वफात हुई। जो काम अब्दुल सलाम ने किया वो भी क्वांटम मैकेनिक्स का है। क्वांटम मैकेनिक्स से एक नया शोभा निकला जो क्वांटम फील्ड थियरी के नाम से जाना जाता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे है कि पार्टिकल्स जितने भी हैं वो उनकी तादाद फिक्स्ड रहती है। तो जितने एटम्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इस वक्त इतने हैं तो कुछ देर बाद भी उतने ही होंगे। लेकिन कुछ पार्टिकल्स हैं जिनकी तादाद फिक्स नहीं रहती, और वो दूसरे पार्टिकल्स में तब्दील हो जाते हैं, और फोटोन भी उसकी एक मिसाल है। तो फोटॉन जब किसी चीज से टकराता है तो वो जज्ब हो जाता है, खत्म हो जाता है, या किसी एटम से वो खारिज हो सकता है। इस को समझने के लिए और उसको क्वांटम मैकेनिक्स के फ्रेमवर्क के अंदर लाने के लिए क्वांटम फील्ड थियरी इजाद हुई थी, और वो काम 1930s का है, क्वांटम फील्ड थियरी। तो देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स तो आप समझ लीजिए कि प्लैंक का जो पहला काम था वो 1900 का था, जो इसके बानी माने जाते हैं श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग, वो 1915, 1820 के लगभग हैं। फिर पॉल डिराक, वो भी 1924-25 का है, और क्वांटम फील्ड थ्योरी उसके कुछ ही देर बाद बतौर एक शोबे के जन्म लेती है। अब अब्दुल सलाम की पैदाइश मैंने आपको बताया 1926 में थी।
जंग में, बहुत एक आम खानदान में, टाट के स्कूलों में उन्होंने पढ़ा। जब वो 14 साल के थे तो उस वक्त पहली बार वो लाहौर आए, और लाहौर में वो हैरान हुए कि यहाँ मुझे मोमबत्ती के तले या कोई चिराग तले नहीं पढ़ने की जरूरत है, इलेक्ट्रिक लाइट है। और वो इस बात पे बड़े खुश हुए, और बहुत ही वो पढ़ाकू थे, उनको लिखने पढ़ने से और स्कूल के काम से और स्कूल से बाहर जो कुछ वो पढ़ सकते थे वो पढ़ते। खैर 14 साल की उम्र में वो लाहौर आए और फिर यहाँ एक आम स्कूल में तालीम हुई, लेकिन ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। फिर वो आगे चलते गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी में उनकी तालीम हुई। फिर उनको स्कॉलरशिप मिला, वो चले गए यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, और गए थे इस ख्याल से कि उधर जाके वो फिजिक्स करेंगे, लेकिन पता नहीं था कि किस किस्म की फिजिक्स। उधर जब उन्होंने देखा कि ये एक नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं फिजिक्स में, वो उसके अंदर शामिल हो गए। फिर बाद में फिर उधर से वापस आए, और ट्राइपॉस करने के बाद फिर लाहौर से दोबारा यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज चले गए, जहां उन्होंने क्वांटम फील्ड थियरी पर काम करना शुरू किया। तो जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी उलझन थी, क्वांटम फील्ड थियरी तो उस वक्त कहीं कहीं कुछ कामयाबी के रास्ते पर नजर आ रही थी, लेकिन एक बड़ा मसला ये था कि जब आप कुछ वहाँ कैलकुलेशंस करते हैं, जो बहुत सादा कैलकुलेशंस, वो तो आप आसानी से कर लेते हैं, उसके बड़े अच्छे एक्यूरेट जवाब निकलते हैं, लेकिन जब आप उस एक्यूरेसी से अगले स्टेप पर जाने की कोशिश करते हैं, तो जो भी आंसर आप निकालते हैं उसका आंसर है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी कि बेकार, बेमायने सी चीज। तो इसके ऊपर लोग उलझ गए, और ये अब्दुल सलाम से पहले की बात है। उन्होंने उसका एक तरीका निकाला जो रीनॉर्मलाइजेशन कहलाता है। तो उस रीनॉर्मलाइजेशन के जरिए से वो जो इन्फिनिटी है उसको इस तरह से तोड़ मरोड़ के, मार पीट के एक ऐसी जगह पे घुसाते हैं कैलकुलेशंस के अंदर कि जहां उसका असर इन्फिनिट नहीं लेकिन थोड़ा सा होता है, फाइनाइट होता है, और वो बड़ा वो एक्यूरेसी को बेहतर करता है। अच्छा, या इधर आ जाइए। लेकिन उससे आप एक लेवल पर ऊंचा जाएं, एक लेवल ऊपर जाएं, तो फिर वही इन्फिनिटी आ जाती है, और वो इन्फिनिटी ऐसी के वो कोई सादा तरीके से निकलती नहीं। इसको लूप डायग्राम्स कहते हैं, और ये इंटरसेक्टिंग लूप, एक लूप के अंदर दूसरा उलझा हुआ, अब इसको निकालना, इसका आंसर भी इन्फिनिट है, लेकिन ऐसा इन्फिनिट के बड़े बड़े दिमाग उस वक्त के इससे लड़ते रहे, लेकिन उनसे ये हाल नहीं हो रहा था। तो अब्दुल सलाम उस वक्त पीएचडी कर रहे थे, तो पीएचडी में उनको सुपरवाइजर ने ये प्रॉब्लम दिया ओवरलैपिंग डाइवर्जेंसेस के नाम से। वो था तो बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम, लेकिन सलाम ने उसका जो आंसर निकाला ये उनका पहला बड़ा काम था, और इतना बड़ा काम कि इस ऊपर उनको एक बड़ा इनाम मिला एडम्स प्राइज के नाम से, और वहां से उनकी शोहरत बढ़ती चली गई। अच्छा, जो मैंने आपको बताया था तीन क्वांटम इंडियंस हैं, शाह और बोस और रामन, उनके बड़े काम थे वो क्वांटम मैकेनिक्स से मुतालिक थे। अब ये काम जो सलाम का था, जिसमें जिससे उन्होंने पहल की, ये क्वांटम फील्ड थ्योरी का था। और ये समझ लीजिए कि
बाकी जिंदगी उन्होंने क्वांटम फील्ड थ्योरी ही में काम किया और ये बहुत बड़े काम थे। तो ये जो पहला काम था ये अच्छा था रिनॉर्मलाइजेशन का, लेकिन उसके बाद तीन बहुत बड़े काम किए जिनका मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक काम तो ये था कि जब कुछ न्यूक्लियस, कुछ ऐसे न्यूक्लियाई हैं जो डिके करते हैं, और न्यूक्लियाई क्या, खुद न्यूट्रॉन भी डिके करता, तो ऐसे होता कि अगर मैं एक आजाद न्यूट्रॉन को यहां रखूं तो आजाद न्यूट्रॉन कोई 11 मिनट के अंदर खत्म हो जाता। वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और एक तीसरा पार्टिकल है जो न्यूट्रिनो कहलाता है, उनके अंदर वो तब्दील हो जाता, फना हो जाता, फिर ये तीन पार्टिकल्स रह जाते। अच्छा, अब इसमें बड़ी दिलचस्प बात ये कि एक बेसिक सिमेट्री जो फिजिक्स की है वो वायलेट हो जाती है, जिसको पैरिटी कहते हैं। पैरिटी कंजर्वेशन का मतलब ये बनता है कि जो हम एक्चुअल लाइफ में देखते हैं और जो हम आईने में देखते हैं, उन दोनों के पीछे जो लॉज हैं वो एक ही है। मसलन ये कि अगर दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। अगर उसका अक्ष आप देखें आईने में, तो आईने में जो आपको पार्टिकल्स टकराते हुए देंगे, अगर आप उनके आईने के हिसाब से उनके मोमेंटम स्पीड मास वगैरह मेजर करें तो वहां भी वो कंजर्व दिखाई देगा। गोया के फिजिक्स की शक्ल और सूरत, इसके कानून वही रहते हैं, हाँ आप उसको यहां देखें या उसका अक्स आईने में देखें। तो ये बात तो एक बड़ी मुनासिब, बहुत माकूल सी लगती थी लोगों को, लेकिन सलाम ने इसके ऊपर जब सोचा तो उसने कहा कि ये मुमकिन है कि थोड़ा सा इस बराबरी से हो सकता है कि कुदरत तजावज कर जाती हो। कभी कभी कुछ कुछ रिएक्शंस में पैरिटी एक पैरिटी कायम नहीं रहती, यानी कि जो आईने में है और जो यहां है उनमें फर्क है। तो इसके ऊपर उन्होंने एक पेपर लिखा और उस पेपर का लुबे लुबाब ये था कि न्यूट्रिनोज, जो कि एक बहुत बारीक जर्रा है और जो बहुत हल्का है और जिसका कोई चार्ज नहीं है और जो सिर्फ चंद साल कबल दरियाफ्त हुआ था, तो 1930s में उसकी 35 में वोल्फगैंग पाउली ने उसकी गोई की थी और उसके 10 साल बाद वो दरियाफ्त भी हुआ। तो सलाम ने कहा कि न्यूट्रिनोस ये ऐन मुमकिन है कि अगर कोई न्यूट्रिनो यूं जा रहा हो तो हमेशा वो लेफ्ट की तरफ ऐसे स्पिन करेगा, ऐसे नहीं करेगा, और यूं पैरिटी बराबर नहीं रहेगी, कायम नहीं रहेगी। जो आप आईने में देखते हैं वही चीज आपको यहां नहीं दिखाई देगी, दोनों में फर्क है। ये पेपर उन्होंने फिजिक्स के बहुत बड़े बहुत वुल्फगैंग पाउली, जो जमाने के बहुत ही बड़े माने हुए फिजिसिस्ट थे, उनको भेजा। पाउली प्रिंसिपल का नाम आपने सुना होगा, तो ये बात वहां से चली। तो पॉली ने कहा कि यंग मैन, गो थिंक ऑफ समथिंग एल्स। तो अब्दुल सलाम उस पर कुछ दिल बर्दाश्ता हो गए और उसको एक तरफ कर दिया। ये बहुत बड़ा काम था इसलिए कि उसके 2 साल बाद ली एंड यांग, दो ये चाइनीज फिजिसिस्ट थे, उन्होंने यही पेशेंट गोई की कि द न्यूट्रिनो इज लेफ्ट हैंडेड, और इसके ऊपर उनको नोबेल प्राइज मिला। तो
सलाम का ये कहना था कि दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ. ये मेरा मुझे अब याद नहीं, लेकिन 1956 की बात है शायद. जो नोबेल प्राइज उनको मिला ना, उसकी तरफ मैं आऊंगा, वो 1979 की, तो ये उससे बहुत पहले का काम है. अच्छा खैर, उसके बाद उनकी रेपुटेशन बनती गई और फिर इंटरेक्शंस में पैरिटी वायलेशन पहली बार देखा गया, और ये गालिबन 59 की बात है, तारीख मुझे याद नहीं है. एक चाइनीज फिजिसिस्ट थी टी वू के नाम से, तो उनको नोबेल प्राइज मिला फॉर डिस्कवरिंग पैरिटी वायलेशन एक्सपेरिमेंटली. कोबाल्ट 60 एक न्यूक्लियस है, वो यूं घूमता है तो उससे इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, अगर उसका अक्ष आप देखें या अगर आप लेफ्ट को राइट कर दें तो दोनों में फर्क है, बहुत मामूली फर्क है, लेकिन फर्क डेफिनेटली है. और ये इस बात की दलील थी, एक्सपेरिमेंटल सबूत था, कि जो फिजिक्स आईने की है और जो यहाँ की है, दोनों में फर्क है. उसकी पेशेंट गोई की थी सलाम ने, मगर वो उस वक्त वो कामयाब नहीं हो सके. सो द मॉरल इज यू शुड नेवर लिसन टू ग्रेट मैन. एस्टेब्लिशमेंट. अच्छा, तो जो सलाम साहब की दिलचस्पी थी वीक इंटरेक्शंस, वो कायम रही. और ये अब क्वांटम फील्ड थ्योरी के आगे एक डेवलपमेंट हुई, वो ये कि देखें, जो भी पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है वो किसी, अगर दो पार्टिकल्स हैं तो किसी तीसरे पार्टिकल के सबब होता है. अब मिसाल के तौर पर यहां पर एक चार्ज है, प्रोटॉन ही सही या इलेक्ट्रॉन, कोई सा भी इलेक्ट्रिकल चार्ज है, इधर दूसरा इलेक्ट्रिकल चार्ज है. ये आपको पता है कि अगर वो दोनों मस्बत हों तो इनके बीच में धकेल होगा, अगर एक मस्बत हो एक मनफी हो तो ये कशिश होगी. ये ताकत, ये कुव्वत क्यों पैदा होती है? इसलिए कि एक फोटोन इधर से उधर जाता है और वापस आता है. अब ये जो वीक इंटरेक्शन है जिसकी वजह से पैरिटी वायलेशन होती है, लोगों ने ये सोचा था कि हाँ, इसको भी किसी तीसरे पार्टिकल की वजह से होना चाहिए, यानी कि जिस वजह से एक न्यूट्रॉन खुद ब खुद डिके हो जाता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में तब्दील हो जाता, तो ये भी किसी तीसरे पार्टिकल की वजह से होगा. लेकिन मसला ये है कि अगर आप उस पार्टिकल को कोई मास देंगे, ठीक है, अगर फोटोन है तो कोई इसमें मजाका नहीं, वो फोटोन, क्योंकि फोटोन का मास नहीं होता, तो उसको आप क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर बआसानी शामिल कर सकते हैं. लेकिन अगर आप उस तीसरे पार्टिकल को कोई मास दें, अगर वो भारी हो, तो फिर बड़ा मसला पैदा हो जाता है. इसलिए कि जो रिनॉर्मलाइजेशन आप कर सकते हैं फोटॉन्स के साथ, और देखें रिनॉर्मलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, वरना तो आपके सारे जवाबात इन्फिनिटी आते हैं, फिर तो आप जो भी करें आप उसको गायब नहीं कर सकते, आप उसको तोड़ मरोड़ के छुपा कर कहीं कैलकुलेशन में छुपा नहीं सकते. लिहाजा एक 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 जमूद सा पैदा हो गया था, एक ठहराव की सिचुएशन आ गई थी, कि हम क्वांटम थ्योरी, क्वांटम फील्ड थ्योरी को इस वक्त बहुत कामयाब देख रहे हैं. उससे जो कैलकुलेशंस होती हैं, अगर सिर्फ फोटॉन्स हो तो वो कैलकुलेशंस इस कदर कामयाब हैं कि आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं अप टू 10 decimal फिगर्स, यानी कि G-2 इज इक्वल टू 0.1365712, 10 फिगर्स. और जो आप कैलकुलेट करते हैं और जो आप जाकर लैब में मेजर करते हैं,
उनमें जरा भी फर्क नहीं गया कि क्वांटम फील्ड थ्योरी बजाते खुद एक बड़ी पक्की मजबूत चीज है, लेकिन जो ही आप उसको वीक इंटरेक्शंस पर अप्लाई करते हैं, तो जब आप वीक इंटरेक्शन के कुछ थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो उसमें इन्फिनिटीज आ जाती हैं। और वो इसलिए कि ये जो तीसरा पार्टिकल है, जो मीडिएटिंग पार्टिकल है, उसको आप जो ही कोई मास देते हैं तो इन्फिनिटीज फिर बेकाबू हो जाती। तो जो काम सलाम साहब ने किया और साथ साथ स्टीवन वाइनबर्ग ने किया, ये 1967-1968 का है और इसकी बिना पर उनको नोबेल प्राइज मिला 1979 में, वो इसी मसले के ऊपर था, वीक इंटरेक्शंस और वो मीडिएटिंग पार्टिकल के बारे में। व्हाट इज दैट मीडिएटिंग पार्टिकल? उसको आप मास दे नहीं सकते। अगर वो कोई मैसिव पार्टिकल होगा, जैसा कि ख्याल था, बल्कि बहुत से दलाइल थे कि ये पार्टिकल जो बीच में जाता है वो मास अगर कैरी कर, अगर नहीं करता, फिर तो वीक इंटरेक्शन तो वैसे ही हो जाएगा जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है। दोनों में फर्क है, लेकिन क्वांटम फील्ड थ्योरी की एप्लीकेशन तब ही हो सकती है अगर ये मीडिएटिंग पार्टिकल बिना मास के हो। इसका हल वाइनबर्ग और सलाम ने अलग अलग निकाला, मगर हल एक ही था। तो उस वक्त सलाम प्रोफेसर लग चुके थे इंपीरियल कॉलेज लंदन में, और वो द यंगेस्ट थ्योरेटिकल फिजिक्स प्रोफेसर इन द हिस्ट्री ऑफ इंपीरियल कॉलेज, 35 साल थी उस वक्त जब वो प्रोफेसर गए थे। स्टीवन वाइनबर्ग जो MIT में होता था उस वक्त 1968 में, तो मैंने उनके लेक्चर सुने थे, उनकी क्लास मैंने ली थी एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में 72 में या 71 में, 72 में। तो वो अलग इस पे काम कर रहे थे, तो इन लोगों ने अलग अलग एक तरीका निकाला जिससे जो मीडिएटिंग पार्टिकल है मैसिव होगा, लेकिन जो एक जरूरी शर्त है क्वांटम फील्ड थ्योरी की वो फिर भी पूरी हो सकती है, जिसे गेज इनवेरियंस कहते हैं, और वो एक बहुत ही टेढ़े रास्ते से जिसको स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग कहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग ऐसे है कि सलाम साहब इस यूं इससे तशबीह देते थे कि फर्ज कीजिए कि आप एक मेज के गिर्द बैठे हैं और आप सामने ये डिनर टेबल है, तो सारे गेस्ट उसके गोल बैठे हैं। अच्छा, हर एक जो है वो दूसरे को देखता है कि पहल कौन करेगा खाना। तो अब इवेंचुअली जब एक उठाता, अब वो ऐसे देख रहा, तो उसको देखा देखी सब फिर कांटा छुरी उठाते हैं और खाने लगते। ओके, सो देयर इज अ सिमेट्री विच इज ब्रोकन एट दैट पॉइंट। तो उस सिमेट्री ब्रेकिंग की वजह से जो मीडिएटिंग पार्टिकल है वो फिर मैसिव हो जाता है, लेकिन किसी उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं होती, गेज इनवेरियंस कायम रहती है, और इस वजह से रिनॉर्मलाइजेबिलिटी पर भी कोई हर्ज नहीं आता। सो दिस इज व्हाट मेक्स पॉसिबल टू यूज क्वांटम फील्ड थ्योरी फॉर वीक इंटरेक्शंस। अच्छा, जब ये पेपर छपा, वाइनबर्ग ने अलग छापा, सलाम ने अलग छापा, तो किसी ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि हाँ, गेज इनवेरियंस तो कायम रहती है, लेकिन रिनॉर्मलाइजेबिलिटी अब तक मुकम्मल तौर पर प्रूव नहीं हुई थी, वो तो बाद में हुई।
एक तो ये कि वो प्रूव हो गई, जिसने प्रूव किया उसको नोबेल प्राइज मिला, लेकिन जो इसका तजर्बाती सबूत था वो 78 में यूं मिला कि जो तीसरा पार्टिकल यहां से वहां जाता है, जो फोटोन का काम अंजाम देता है, उसको Z0 कहते हैं। तो जो वीक न्यूट्रल करंट दरियाफ्त हुआ 78 में, उसके बाद तो फिर सभी को यकीन हो गया कि इससे तो नोबेल प्राइज मिलने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम था। आज अगर आप किसी भी पार्टिकल फिजिक्स की किताब खोलें तो आपको स्टैंडर्ड मॉडल का लफ्ज जगह जगह दिखाई देगा। स्टैंडर्ड मॉडल जो हमें ये बताता है कि जो जिन ईंटों से ये बिल्डिंग बनी है वो ईंटें हैं क्या, 18 किस्म की हैं। तो उसमें क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, ये गेज बोजॉन्स जो फोटोन का काम करते हैं, थर्ड पार्टिकल का काम करते हैं, दो पार्टिकल्स के बीच में कशिश पैदा करते हैं, धकेल पैदा करते हैं, वो तो ये अगर कुल गिने जाएं 17 बनते हैं, और जो 18वां है वो हिग्स बोजॉन कहलाता। अब हिग्स बोजॉन के होने से ये बाकी सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि जो तरीका जो मैंने कहा ना, बड़ा टेढ़ा तरीका था ये मास देने का, वो असल में हिग्स, पीटर हिग्स ने इजाद किया था, लेकिन वो किसी और काम के लिए, और उसको लोगों ने कोई खास उस पर तवज्जो नहीं, हिग्स ने और 4-5 और लोगों ने अलग अलग। तो सलाम और वाइनबर्ग का कमाल ये था कि उन्होंने उस चीज को देखते हुए वीक इंटरैक्शंस पर उसका इतलाक किया, फिर उससे पेशनगोइयां की कि एक पार्टिकल होना चाहिए, हिग्स पार्टिकल होना चाहिए, कि डब्ल्यू बोजॉन होना चाहिए, कि जेड बोजॉन होना चाहिए। तो ये वो पार्टिकल्स थे जो दरियाफ्त उस वक्त तक नहीं हुए थे, जो उसके 15 साल बाद दरियाफ्त हुए थे, लेकिन जिनके असरात 98 में, तो उसके कितने 67 में ये काम हुआ था, तो ये काम जो है वो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, उसके 11 साल के बाद ये असरात दिखाई दिए वीक न्यूट्रल करंट्स के। तो ये बहुत बड़ा काम है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इसने फिजिक्स की बुनियादों को मजबूत किया है, कोई इसका पार्टिकल फिजिक्स में मुकाबला नहीं है। ठीक है, इस खित्ते में दो नोबेल प्राइज विनर्स, दो ऐसे लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, एक और जो नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ यहाँ पे, सीवी रामन को नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने काम यहाँ पे किया, लेकिन सलाम ने उधर किया। थोड़ा सा इस लिहाज से फर्क है, सलाम अगर यहाँ होते तो शायद ये काम ना कर सकते, लेकिन बहरहाल जितना इम्पैक्ट है इस काम का, कोई इसमें मुकाबला नहीं। दिस इज मच मच मोर इम्पैक्टफुल। तो ये वो काम था जिस पर उनको नोबेल प्राइज मिला। अब आगे चलकर दो और बड़े काम थे, लेकिन उसमें उनको इतनी कामयाबी नहीं हुई, कुदरत ने, फितरत ने साथ नहीं दिया। देखे ना, फिजिसिस्ट तो थियरीज बना सकते हैं, एक जाप्ते के तहत जो रूल्स हम अखज करते हैं पिछले कामों से, उसको देखकर हम फिर ऐसी थियरीज बना सकते हैं जो पिछले से जुड़ती हैं, उनके साथ कंसिस्टेंट है, लेकिन जिनका हमें नहीं पता कि ये सही है कि नहीं, वो फिर तजुर्बाती तौर पर देखना पड़ता। तो एक काम ये था कि प्रोटॉन जो इंतहाई स्टेबल पार्टिकल है, अब देखें ना, एटमों के बने हुए, लेकिन हम खुद बखुद डिके तो नहीं हो जाते, मर जाते हैं, लेकिन हमारे एटम्स तो नहीं खत्म होते। अच्छा, एटम के अंदर क्या है,
प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। मैंने आपको ये बताया कि न्यूट्रॉन तो खत्म हो जाता है 11 मिनट के अंदर, ऐसे गायब हो जाता है, वो खुद प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में तब्दील हो जाता, लेकिन प्रोटॉन नहीं करता। प्रोटॉन इज वेरी वेरी स्टेबल, और न्यूट्रॉन अगर आप उसको न्यूक्लियस के अंदर डालें तो वो वहां डिके नहीं होता। जैसा कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16 will remain as long as there are protons. अच्छा, अब क्या ये मुमकिन है कि प्रोटॉन डिके हो जाता हो, खत्म हो जाता हो, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा वक्त दरकार हो? अगर ऐसे है तो उसका मतलब ये कि ये स्टैंडर्ड मॉडल जो सलाम और वाइनबर्ग की तख्लीक थी, उसको उसमें मजीद तौसी की जरूरत है, उस वो नाकाफी है। और ये कितनी दिलचस्प बात होगी अगर हमें ये पता चल जाए कि प्रोटॉन एक्चुअली डिके करता है और स्टेबल नहीं है। अच्छा, एक बात तो बिल्कुल वाजे है ना कि हम बैठे हैं यहां पर तो हमारे ऑक्सीजन एटम्स तो डिके होते नहीं, यानी कि प्रोटॉन स्टेबल है, लेकिन क्या पता कि बहुत वक्त के बाद ये डिके हो जाता हो। सलाम और उनके साथ थे योगेश पति और सलाम ने मिलकर प्रोटॉन डिके की एक थ्योरी बनाई जो पिछले कामों के साथ सही जुड़ती थी, लेकिन जिसकी मजीद ये पेशनगोई थी कि ये प्रोटॉन डिके हो जाएगा लेकिन कितनी देर बाद होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कुछ लिमिट्स बता सकते हैं कि कितना तक के जो, अच्छा इसके लिए एक और पार्टिकल की जरूरत है जो यहां से वहां जाए इस नई फोर्स को मीडिएट करने के लिए, तो इसको गट्स कहते हैं, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। तो गट्स के लिए एक एक्स पार्टिकल का नाम दिया और कहा कि हां ये एक्स पार्टिकल अगर हो तो फिर प्रोटॉन डिके कर जाएगा, जिसके बाद जो एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट हैं उन्होंने कहा वाह ये तो बहुत दिलचस्पी, हमें तो बड़ी दिलचस्पी है, तो ये काम तो बड़ा अहम हो सकता है। अगर तो ये पता चल गया कि प्रोटॉन डिके करता है तो इससे तो फिर फिजिक्स की दुनिया में एक तहलका मच जाएगा। अब देखें, हमें ये पता कि बहुत बहुत वक्त लगेगा उसके लिए, लेकिन अगर बहुत से प्रोटॉन्स हों तो वो कुछ तो उनमें से होंगे जो डिके करते हैं, तो जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, तो देखें ना सलाम और पति का कि ये प्रिडिक्शन थी कि प्रोटॉन विल डिके इनटू टू फोटॉन्स थ्रू अ पायोन प्लस ए पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव है ना, तो जब वो डिके होगा तो इलेक्ट्रिकल चार्ज चेंज नहीं होनी चाहिए, सो प्रोटॉन विल गो इनटू अ पॉजिट्रॉन और फिर दो गामा रेज, दो फोटॉन्स बैक टू बैक यू निकलेंगे जिनको आप पकड़ सकते हैं। आजकल फोटॉन देखना तो कोई मसला ही नहीं है, सिंगल फोटॉन भी देखना कोई मसला नहीं है। इसके बाद एक्सपेरिमेंट्स प्लान किए गए और 10 साल लगा उनको तैयार करने के लिए और कई अरब डॉलर उस पर खर्च हुए। वो इस तरह से कि जेरे जमीन एक बहुत बड़ी जगह खाली की गई, जहां पहले कोयले के कान या दूसरे कान होते उसको साफ करके उधर दीवारें बनाकर उधर हर तरफ डिटेक्टर्स लगाए गए, उन डिटेक्टर्स के साथ खूब सारी इलेक्ट्रॉनिक्स, और इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर अगर दो फोटॉन्स निकलें तो डिटेक्शन के चांसेस कोई 90% के लगभग, इतना सेंसिटिव कि एक फोटॉन, एक नहीं निकल सकता, दो निकलेंगे, लेकिन दो फोटॉन अगर निकले ना वो यूं पकड़े जाएंगे। अच्छा, उसके अंदर प्रोटॉन्स को आप मैक्सिमम भरना है तो 10,000 टन पानी उसमें भरा गया टंकी में,
और आसपास ये सारे फोटो डिटेक्टर्स, ये एक एक्सपेरिमेंट। फिर और ये एक्सपेरिमेंट इंडिया में हुआ। फिर इससे भी बड़े एक्सपेरिमेंट हुए दुनिया में दो और जगहों पर, और सालों तक वो इंतजार करते रहे कि एक प्रोटॉन इनमें से कोई डिके कर, अब तक कुछ नहीं मिला। सो दिस इज अनफॉर्चुनेटली अ ग्रेट फेलियर। फेलियर क्या, ये दिस इज नॉट द फिजिसिस्ट फॉल्ट, ये तो अब नेचर इज नॉट काइंड। अच्छा, हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोटॉन कभी नहीं डिके करेगा। मसला ये कि अगर बहुत वक्त दरकार है, अब चलिए बहुत को हम थोड़ा सा ज्यादा प्रिसाइज करते हैं, कायनात की उम्र कितनी है? 10^10 years। मैं थोड़ा सा गलत बता रहा हूँ, इट इज एक्चुअली 13 billion years, 13.8 billion years, 14 अरब साल कह देना, तो दैट इज 1.4 × 10^10। अच्छा चलिए 1.4 को 1 ही कर ले, सो इट इज 10^10। अब जो एस्टिमेट्स हैं प्रोटॉन डिके के, दे आर 10^34 years, यानी कि एक प्रोटॉन को डिके करने के लिए यू नीड 10^24 times द एज ऑफ द यूनिवर्स। तो इस के चांसेस बढ़ाने के लिए आप इसीलिए इतने ज्यादा प्रोटॉन रखते हैं, इस उम्मीद में कि उनमें से एक निकल जाए, एक डिके हो जाए, लेकिन अब तक ऐसे हुआ नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा, हो सकता है कि हो जाए, हो सकता है कि अगले 10 साल में, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स तो अब भी चल रहे हैं, हो सकता है कि एक आध उनमें से आपको इवेंट मिल जाए। ओके, फिर उसके बाद एक और काम, और ये थ्योरेटिकल नौइयत का, इसके बारे में मैं ज्यादा आपको बता नहीं सकता, लेकिन देखें दो किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, एक जिसका कल भी जिक्र हुआ था जब हमने वो फिल्म देखी थी, बोजॉन्स, और दूसरे होते हैं फर्मियंस। तो बोजॉन्स की पहचान ये है कि वो बड़े मिलनसार होते हैं, जहां दो बोजॉन है उधर तीसरा भी जाएगा, और जहां 5,000 हैं और ज्यादा शिद्दत से एक और पार्टिकल उधर उनके साथ जुड़ना चाहेगा। सो दे आर वेरी ग्रेगेरियस फ्रेंडली पार्टिकल। दूसरी तरफ फर्मियंस हैं, तो फर्मियन एक दूसरे से बड़ी नफरत करते हैं, वो एक दूसरे से दूर रहते हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि ये एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश। दो फर्मियंस को आप जब वो एक ही स्पिन के हों तो उनको आप एक पर एक रख नहीं सकते, देयर इज व्हाट इज कॉल्ड पॉली रिपल्शन, जो उनको अलग करती है, और बड़ी अच्छी बात है, वरना तो देखें हम खुद कोलैप्स हो जाते हैं, आप मैं कोलैप्स हो जाते हैं, वी वुड बिकम फ्रॉम दिस साइज टू लेस देन द साइज ऑफ एन एटम। वजह यह, कोलैप्स ना होने की वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स चूंकि फर्मियंस हैं, फर्मी पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन सोल 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6। अच्छा, वो नहीं हो सकते इसलिए कि इनके बीच में जो फर्मी रिपल्शन है वो उनको जुड़ने नहीं देती, अगर वो हो जाते तो फिर हम कोलैप्स हो जाते। अब कुछ साल तो ये बोजॉन्स और फर्मियंस की बात तो खैर बहुत पुरानी थी, लेकिन उसके बाद एक ख्याल आया लोगों को, और ये सलाम से पहले की बात है, सलाम से पहले मेरा मतलब ये कि सलाम वाज नॉट द ओरिजिनेटर ऑफ द आइडिया, जिसमें सुपर सिमेट्रिक
सुपर सिमेट्री की बात आती है, तो सुपर सिमेट्री में ऐसे पार्टिकल्स हैं जो ना बोजोन है ना फर्मियॉन्स, या मुझे ये कह रहे हैं, नहीं, आई लेट मी पुट इट डिफरेंटली, सुपर सिमेट्री में ऐसे है कि आप बोजोन्स और फर्मियॉन्स को इकट्ठे कर सकते हैं और ये एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये जो सुपर सिमेट्री का आइडिया था, ये स्टैंडर्ड मॉडल को एक्सटेंड करता है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, और अगर सुपर सिमेट्री दुरुस्त है तो फिर सुपर सिमेट्रिक पार्टिकल्स का वजूद होना चाहिए, और ये ऐसे पार्टिकल्स जो खासे भारी होंगे, जिनकी प्रॉपर्टीज आम पार्टिकल्स से हटके होगी, यानी जो 18 पार्टिकल्स हैं ये उनमें शुमार नहीं होंगे, उनसे मुख्तलिफ होंगे। और पिछले 25 साल से इन्हें तलाश किया जा रहा सर्न में और दूसरी जगहों पे। सलाम का अपना काम ये था कि उन्होंने इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है वो एक इस अंदाज में की कि एक नई स्पेस बना दी जिसको सुपर स्पेस कहते हैं। तो सुपर स्पेस के अंदर, अच्छा, आम स्पेस में आप एक अलग स्पेस बनाते हैं फर्मियॉन्स के लिए, एक अलग स्पेस बनाते हैं बोजोन्स के लिए, लेकिन सुपर स्पेस में ये दोनों फर्मियॉन्स और बोजोन्स शामिल होते हैं। और फिर जहां आपको इतने सारे फॉर्मूले लिखने पड़ते हैं, उस बात को आप छोटा करके इसमें कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द सुपर स्पेस फॉर्मुलिज्म, जिसको फिर लोगों ने खूब इस्तेमाल किया, और सुपर स्पेस फॉर्मुलिज्म अब फिजिक्स की आम किताबों में भी आपको मिलता। तो बट ही वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ दैट। तो ये इनके तीन बहुत बड़े काम थे। अब चलिए हम कुछ जरा और नौयत की बात करते हैं। अब इतने बड़े काम इसने किए, सलाम ने किए, लेकिन लोग हमेशा पूछते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया। अगर मैं गिनवाना चाहूं तो बहुत बहुत ही लंबी फेरिस्त है उसकी। तो जब अयूब खान ने इनसे कहा कि मेरा साइंटिफिक एडवाइजर बन जाओ, तो वो बहुत खुशी से उसमें शामिल हो गए, उसने खामी भरी, फिर वो आए पाकिस्तान, फिर खासा वक्त यहाँ गुजारते थे। उन्होंने सुपारको की बुनियाद डाली। तो ये बात मेरा ख्याल है काबिले गौर है, जो कि 1960 के लगभग शुरू हुआ था, और जिसमें रॉकेट्स पाकिस्तान ने लॉन्च किए थे मीटरोलॉजिकल रिसर्च के लिए सोनमियानी बीच से, वो सलाम साहब ने दिलवाए थे अमेरिकन से बात करके, उनसे उनके साथ कोऑपरेटिव अरेंजमेंट बनाकर। वो सुपर का तो अब भी है, लेकिन आपको पता है कि किस हाल में। उन्होंने एग्रीकल्चरल रिसर्च की बुनियाद डाली पाकिस्तान में, एक्सपर्ट्स को बुला बुला कर। एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल था। जो कराची का न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो उन्होंने नेगोशिएट किया था, सलाम साहब ने किया था। एटॉमिक एनर्जी कमीशन में उस जमाने में जो कुछ होता था वो अब्दुल सलाम गाइड करते थे। और ये बात कायम रही, सही रही 1964 तक, जब आपको पता है कि उनको गैर मुस्लिम करार दे दिया गया था। तो अगर देखा जाए तो उन्होंने वो काम किया पाकिस्तान के लिए जो जो उन तीन क्वांटम इंडियंस ने नहीं किया, जो उन तीन क्वांटम इंडियंस को, साहा, बोस, रामन, उनको
गवर्नमेंट की पुष्पनाई हासिल थी उस जमाने में, सलाम को भी थी अंटिल 74, जिसको उन्होंने पूरी तरह से इस्तेमाल किया यहां साइंस को आगे फरोग देने के लिए। उसके बाद खैर उनका रोल खत्म हो गया और हम तो उनको आज अपनों में मानते भी नहीं है। यहाँ कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसा सेंटर नहीं है जिसके नाम पर अब्दुल सलाम लिखा हो। इसके बरक्स कल आपने देखा उस फिल्म में कि सहा इंस्टीट्यूट है, रामन इंस्टीट्यूट है, बोस के नाम से है, उनके नाम पर यूनिवर्सिटियां हैं, उनको हर इंडियन पहचानता है, कहता है कि ये हम में से हैं, हमारे लोग हैं, फखर करते हैं। और बावजूद इसके ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ठीक है, रामन तो ब्राह्मण था, बोस का मुझे पता नहीं ब्राह्मण था कि नहीं, लेकिन सहा वाज ए दलित, और दलित को तो यानी अछूत से एक दर्जा नीचे होते हैं दलित, और वो एथियस था, तो वो किसी तरह से फिट नहीं उसमें। लेकिन उसके बावजूद देयर इज अ सहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, देयर इज सहा दिस सहा दैट सहा दैट, गोया कि एक सेक्युलर माहौल में इन चीजों को दरगुजर किया जा सकता है, किया जाता है। आज शायद इंडिया में ये ना हो सकता हो, लेकिन उस जमाने में नेहरू के होते हुए तो ये हुआ, एंड दैट इज व्हाई इंडिया टुक। अब सलाम साहब की बड़ी कोशिश थी, बड़ी ख्वाहिश थी कि वो एक इंस्टीट्यूट कायम करें पाकिस्तान में, जहां दुनिया जहां के साइंटिस्ट आ सकें। और अयूब खान को उन्होंने ये तजवीज दी, लेकिन अयूब खान और उस वक्त जो मिनिस्ट्री के लोग थे उन्होंने कोई ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई। तो फिर सलाम गए यूएन के पास, वेंट टू द इटालियन गवर्नमेंट, और उनसे फिर ये इजाजत ली और उनसे फंड्स लिए एक इंस्टीट्यूट कायम करने के लिए जो कि त्रिएस्ते में है और जो अभी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। इट्स कॉल्ड इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स। अब कुछ 15 साल पहले उसका नाम रख दिया गया अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स। तो ये सेंटर उन्होंने शुरू किया सिंगल हैंडेडली। ये इतना ही बड़ा काम है मेरे ख्याल में जितना के नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स लेना है। कि लोगों ने ये तजवीज भी दी थी कि इस सेंटर को कायम करने के लिए उनको नोबेल प्राइज फॉर पीस दिया जाए, मगर वो हो नहीं सका। पाकिस्तान ने कोई इसकी लिफ्ट नहीं कराई। देयर हैज टू बी अ नॉमिनेशन, वो नॉमिनेशन पाकिस्तान करने के लिए तैयार नहीं था। जब सलाम साहब बनना चाह रहे थे डायरेक्टर ऑफ यूनेस्को, डायरेक्टर जनरल, तो उससे उसके लिए भी आपको नामजदगी की जरूरत होती है आपके अपने मुल्क से, जिस मुल्क के आप शहरी हैं। अच्छा, ये मैं बताता चलूं कि सलाम ने कभी अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट तर्क नहीं किया। ही डाइड अ पाकिस्तानी सिटीजन। तो पाकिस्तान ने इसकी बजाय, सलाम की बजाय, साहिबजादा याकूब खान को नामजद किया। अब साहिबजादा बहुत अच्छे आदमी थे, मैं अक्सर उनके घर जाता था इस्लामाबाद में, और उनको बेल्स थ्योरम से बड़ी दिलचस्पी थी। वो हमेशा कहते हैं, डॉक्टर हुड भाई, टेल मी अबाउट बेल्स थ्योरम। मैं उनको बताता, फिर अगली दफा जब वो बुलाते थे घर, ही वुड आस्क मी द सेम क्वेश्चन।
अच्छे आदमी थे, बट ही डिडंट हैव एनी क्लू अबाउट साइंस. और दूसरी तरफ एक नोबेल प्राइज विनर था, और पाकिस्तान रिफ्यूज टू नॉमिनेट हिम. और वो इधर भी नहीं रहते, रहते उधर जिनीवा में, यूनेस्को जहां भी होता है उसके हेडक्वार्टर. तो ये जो तासुब था उसकी वजह से वो बड़े दिल बर्दाश्ता हो जाते थे कभी कभी. और हाँ, जब 74 में जब उनकी कम्युनिटी को इस्लाम के दायरे से खारिज किया गया, तब वो बहुत बहुत ही ज्यादा अफसुरदा थे. उसके बाद उनमें बड़ी तब्दीली भी आई, मजहबियत की तरफ भी उनका रुझान बढ़ गया, बहुत बढ़ गया. उससे पहले देखिए, मैं उनसे मिला था पहली बार, तो मैं उनसे मिला था 70-71 में, लेकिन मैंने उनको जानना शुरू किया 78 में. 84 में फिर उनके साथ कुर्बत पैदा हुई. फिर उसके 2 साल बाद हमने मिलकर एक मजमून भी लिखा. उनके जो आखिरी दिन थे, तो मैं समझता हूँ कि 93 के बाद, 93 में मैं उनसे आखिरी दफा मिला था. 3 साल बाद उनकी वफात हुई. उनकी देखभाल के लिए मैंने इंतजाम भी किया. वो जो शख्स यहाँ से गया मेरे रिश्तेदारों में से था. तो जो आखिरी वक्त था उनका अच्छा नहीं गुजरा. और बहुत जब भी पाकिस्तान का जिक्र आता तो वो बहुत अफसुरदा होते, कुछ रो पड़ते बाज़ दफ़ा. तो इट्स अ वेरी सैड टेल. तो मैं सोचता हूँ कि अगर द क्वांटम पाकिस्तानी कोई फिल्म बनाए तो दिस इज हाउ इट विल एंड. लेकिन इनफैक्ट देर इज सच अ फिल्म सलाम के नाम से. मुझे उसका टाइटल याद नहीं है ठीक तरह से. सलाम द लास्ट द फर्स्ट मुस्लिम नोबेलिस्ट, इस तरह का कुछ है. बहुत नेटफ्लिक्स पे है. हाँ, वो हमें यहां स्क्रीन करनी चाहिए. जिसने वो फिल्म बनाई, जाकिर थावर नाम है उनका, हम उनको यहां मदु कर सकते हैं कि वो आए इस पर बताएं. और वो कोई, इनको 14 साल लग गए वो फिल्म बनाने में. अच्छा, जो पहली डॉक्यूमेंट्री इन पर बनाई गई वो मेरी है. मैंने बनाई. एंड दिस वाज 94 की बात है पीटीवी में. तो उस जमाने में मैंने कुछ साइंस के प्रोग्राम बनाए थे, और उसी तसलसल में मैं पीटीवी के कुछ लोगों को जानता था. मैं एमडी के पास गया, मैंने कहा कि अब इनका वक्त करीब आ रहा है. 94 की बात है, 96 में उनकी वफात हुई. तो मैंने कहा कि उनका नाम था राणा शेख. तो मैं राणा शेख के पास गया जो एमडी थी, और मैंने कहा कि अब्दुल सलाम इज अ नेशनल हीरो और ही शुड बी अ नेशनल हीरो. हमें उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए, पीटीवी को बनानी चाहिए. उन्होंने कहा कि ठीक है, तो कैसे बनाएं? मैंने कहा कि मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है डॉक्यूमेंट्री बनाने का, लेकिन अगर और कोई ये नहीं करता तो आप मुझे टीम दे दें, हम कुछ ना कुछ इकट्ठे कर लेंगे. मैंने कहा ठीक है. तो एक प्रोड्यूसर दे दिया, उस प्रोड्यूसर को मैंने जंग भेजा, और जहाँ जहाँ सलाम होते थे उधर की फुटेज वो लेकर आए. कुछ फुटेज हमें ICTP से मिल गई, कुछ इधर से कुछ उधर से, उस सब कुछ को जोड़ा. अच्छा, मुझे उस वक्त एडिटिंग में वो शामिल नहीं करते थे, बस आप इसका स्क्रिप्ट लिख लें. तो मैंने स्क्रिप्ट लिख लिया. अब स्क्रिप्ट आप लिख लेते हैं, लेकिन उसके
उसके साथ जो विजुअल्स मैच अगर ना करते हो तो आप स्क्रिप्ट बदल सकते हैं। अब मैं कराची चला गया था तो उस वक्त इस जो प्रोड्यूसर मुझे दिया गया था उसने एक उसने डॉक्यूमेंट्री तैयार कर दी। अब जब मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता, दिस इज अ वेरी वेरी बैड पीस ऑफ वर्क, तो बिल्कुल ही बेकार है, चलो इसको हम रीएडिट करते हैं। उनका जवाब ये कि मैंने तो बाकी मटेरियल सारे धो दिए, डिलीट कर दी। खुदा रहा, ये मुझे पता है पीटीवी के बारे में, मुझे ये पता है कि मटेरियल्स पिछले 20 साल के वहां पर मौजूद होते हैं, वो यूमेटिक टेप्स उस जमाने में इस्तेमाल होती थी, वो यूमेटिक टेप्स में बंद हैं, एंड इट इज रॉन्ग, नो टीवी चैनल डिस्ट्रॉयज इट्स रिकॉर्ड, और वो सारे मौजूद थे और इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, कम अज कम मुझे ये बताया कि डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मैं राणा शेख के पास गया, एमडी के पास, मैंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री मैंने, आपने मुझसे कहा था बनाने को, मैंने उसका स्क्रिप्ट लिखा, तजवीज दी, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, ये फुटेज हासिल किया, वो किया, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये, और ये प्रोड्यूसर ने डिस्ट्रॉय कर दिए। तो खैर क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उस प्रोड्यूसर को कहीं और ट्रांसफर किया गया 2 महीने के लिए, फिर वापस आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। दिस वॉज अ क्राइम बाई द स्टैंडर्ड्स ऑफ टेलीविजन। तो खैर अच्छी बात है कि ये जाकिर थावर और उमर वंदल वाली फिल्म बनी है, बहुत अच्छी है, वो हमें यहाँ दिखानी चाहिए, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है जो सलाम के साथ हुआ। ये नहीं कि किसी एक फर्द को यहाँ उसके साथ नाइंसाफी हुई, ये तो पूरे मुल्क के साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए कि हमारे पास और कोई साइंटिफिक रोल मॉडल ही नहीं। देखें, एक भी आपको रोल मॉडल नहीं मिलता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिनको रोल मॉडल्स बताया गया है या तो वो फ्रॉड है या फिर उनका काम बस ऐसा है कि अच्छा है लेकिन कोई इंस्पायर करने वाला नहीं है। हम नहीं कह सकते कि जाओ उसकी तरह बनो, हमारे पास एक ही शख्स है जिसकी तरह हम इशारा कर सकते हैं, कहते हैं वो देखो वो देखो, वो हमारा एक रोल मॉडल है, वो आइडियल होना चाहिए। उसको जब हमने ऐसे धुतकार दिया कि उसका नाम भी नहीं लिया जा सकता, तो फिर हमने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। अब देखें ये इंडियंस, क्वांटम इंडियंस, वो किस तरह से उसको सराहते हैं, कैसे लोगों में जज्बा पैदा करते हैं, और हमारे पास वी हैव नथिंग टू शो, व्हाट टू डू। Well, that's a depressing note to end on. उसकी वजह से वो अपने इन हीरोज को अनाउंस करते हैं और एक्नॉलेज। हाँ बिल्कुल, और जो साइंटिफिक टेंपर की बात थी ना, उसकी वजह से इंडिया एक रास्ते पर चला जिस पर वो चलता चला गया है, बावजूद इसके कि अब ये लोग आए हैं जो जो साइंस की राह से उसको हटाना चाहते हैं। अगर तो मोदी होता उस जमाने में तो आज वो सारे योगी और ये पता नहीं किन कामों में वो लगे होते, मंदिर होते, यूनिवर्सिटियां नहीं होती, जैसे हमारे यहाँ मस्जिदें हैं, यूनिवर्सिटियां बराए नाम हैं। तो ये हाल होता है इंडिया का। लेकिन अफसोस की बात ये कि अब नेहरू से इंडियंस, बहुत से, अक्सरियत मैं कहूंगा, अब नफरत करने लगे,
वो सब चीज को भूल गए कि ही इज द वन हु सेट इंडिया ऑन द पाथ ऑफ सेक्युलरिज्म. और इस वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के जाविये उस नुक्ते नजर से हर चीज को देखते हैं. अच्छा, कल जो क्वांटम इंडियंस की फिल्म थी ना, आप में से सब लोग तो यहाँ नहीं थे उसे, लेकिन एक सीन उसमें आई जिससे मुझे एकदम मैं चौकस हो गया. कोई बता सकता है कि वो क्या चीज हो सकती है? अच्छा, मैं आपको बता, वो इंडिया की तारीख बयान कर रहे थे कि इससे पहले बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, भास्करा और हाँ, तो उसके बाद फिर मुसलमान आ गए, इन्वेडर्स आ गए, और इन्वेडर्स ने हमारी सारी साइंस को खत्म कर दिया. एक उस फिल्म में तंग नजरी की वो वाहिद बात मुझे दिखाई दी, मगर थी जरूर. इस हवाले से एक आपका जो बातचीत हुई थी, आई रिकॉल 1987 में सलाम साहब के साथ, जो पीटीवी पर भी आई थी, तो क्या इतनी तफसील से वीक कोलिजंस एंड रीनॉर्मलाइजेशन की उस पर भी बात हुई? मैंने वो सारा देखा आपका, आपकी बातचीत उनके साथ 87 में, गालिबन आपने दो नशिस्तों में उनसे बात की थी. 87 नहीं, देखें ये 89 की बात है. और पीटीवी, हाँ हाँ हाँ, तो 89 यही जोन्स और ये सब कुछ मामला डिस्कस हुए, या ये नहीं? रीनॉर्मलाइजेशन का मसला जो है वो तो 1930s से है. वीक इंटरैक्शंस जो ये भी तो जो काम उन्होंने किया था सलाम ने और वाइनबर्ग ने, ये तो 1967-68 का था. उस वक्त तो मैं 17-18 साल का था. वो तो खैर बहुत बाद में मुझे समझ में आई कि उन्होंने किया क्या. और मैं न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ गया, पार्टिकल फिजिक्स नहीं. तो इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड सलाम्स थियरी. सर, मैंने भी लास्ट टाइम रिचर्ड डॉकिंस फाउंडेशन फॉर रीजन एंड साइंस, उस पर एक कन्वर्सेशन चल रहा था स्टीवन वाइनबर्ग और रिचर्ड डॉकिंस के दरमियान. उसमें भी स्टीवन वाइनबर्ग यही कह रहे थे कि जिस तरह अब्दुल सलाम को पाकिस्तान में ट्रीट किया गया, उसकी कम्युनिटी को मिसट्रीट किया गया, तो इसका जो रीज़न क्या है सर, वाई दे वर ट्रीटेड लाइक दैट कम्युनिटी? वॉज इट अ पॉलिटिकल डिसीजन, और इसका आप क्या कह सकते हैं? भाई देखो, जब आप हर चीज को मजहब के साथ जोड़ते हैं ना, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि किसका मजहब सही किसका झूठा. तो अब ये अहमदियत का मसला तो बहुत पुराना है, ये तो 125 या 150 साल, उससे भी ज्यादा पुराना है. आपको ये पता है कि 53-54 में लाहौर में बड़े हंगामे भी हुए थे. तो ये मसला कोई नया नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान खासा लिबरल होता था अपने शुरू के सालों में. और मैं कहूँगा कि 74 तक यहाँ एक मुख्तलिफ किस्म के लोगों का साथ रहना मुमकिन था. अब तो यह कि तासुब और इंतहा पसंदी हम पर हावी हो गई है. जिस तरह अब इंडिया पे वो छा रही है, वैसे हम बहुत पहले उसका शिकार हो गए थे. हर दो जो जब भी दो कम्युनिटीज होंगी या दो से ज्यादा कम्युनिटीज होंगी, कुछ ना कुछ फर्क तो होगा ना इसमें और उसमें. फिर भी साथ रहने का सलीका तो लोग सीख सकते हैं. और सेक्युलरिज्म का मतलब यही कि भाई
ठीक है तुम्हारा दीन अलग मेरा दीन अलग, लेकिन चलो हम मिल बैठ के हम काम तो कर सकते हैं। तो पहले ये मसले इतने उछाले नहीं जाते थे जितना कि आज उछाले जाते। सर एक और इसमें यह है कि जब और भी आपने जो वीडियोस बनाई है सर, उसमें अब्दुल सलाम जो नहीं है, ही वाज मोटिवेटेड बाय सम सॉर्ट ऑफ थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और फिर उस चीज़ को वो लिंक कर रहा था। देन बाद में फिर स्टीवन वाइनबर्ग की आपने बात की कि वो एक अलग एंगल से उस चीज़ को देखता था, इसके बारे में फिर मज़ीद आप बता दें सर। हाँ, तो सलाम साहब ये कहते थे कि मेरी इंस्पिरेशन आती है इस्लाम से, और वो कहते थे कि कुरान मुझे हिदायत देता है कि साइंस करो, और वो ये दावा करते थे कि कोई 800-850 ऐसी आयात हैं कुरान में जिनका ताल्लुक साइंस के साथ है। फिर वो जब बात आती थी SU2 × U1 सिमेट्री की, जिस पर उनको नोबेल प्राइज मिला, वो कहते हैं कि ये आइडिया मुझे उस वक्त आया जब मैं बादशाही मस्जिद देख रहा था, तो जो उधर मीनार लगे हुए हैं उनको आप इस एंगल से देखें तो ये नजर आता, उस एंगल से देखें वो नजर आता, तो मुझे ग्रुप्स और सेट्स और वो सब कुछ उससे ख्याल आया। तो ठीक है, ये इंस्पिरेशन उनकी वहां से आई, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है वाइनबर्ग की इंस्पिरेशन कहाँ से आई, क्योंकि वाइनबर्ग तो एथियस्ट है, वो पैदाइशी यहूदी है, कहता है मैं खुदाशुदा में कुछ नहीं मानता, वो तो बचपन से एथियस्ट है, एथियस्ट मरा। तो अब देखे ना, साइंस में आपके दीन और मजहब से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकती है, वो म्यूजिक सुनकर भी इंस्पिरेशन आ सकती है। सर आपने स्टार्ट में वो स्पार्को की बात की है जो कि हमने कुछ सैटेलाइट सेंड की थी उधर स्पेस में, तो ऐसी क्या वजह बनी है कि वो ज़्यादा देर तक वो चल नहीं सकी, या हमारे पास अगर मुल्क में अगर हम देखें तो कोई ऐसी इंस्पिरेशन नहीं है जिसको देख के हमारी यूथ वो उस तरफ है, तो आप क्या समझते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, या अगर हम इस तरह का वो प्रोजेक्ट हम इंस्टॉल करना चाहें तो किस तरह से होगा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब एक ही हो सकता है कि जब लोगों की सोच साइंसी होगी, जब वो साइंस को कबूल करेंगे, ये वो तरीका है जो हमें आगे ले जा सकता है, ये हमें सिर्फ इसको फॉर्मूले और डायग्राम की हद तक नहीं समझना चाहिए, ये एक तर्ज फिक्र है, ये सोच का अंदाज है कि हम अपने आसपास देखते हैं और इसको देखने से सवाल जहन में उभरते हैं। अब उन सवालात के जवाब आप कहाँ तलाश करेंगे? हाँ, अगर आप किसी मजहबी किताब में चले गए और उससे जवाब निकाला तो वो साइंस नहीं है। अगर आप उसके मादी असबाब निकालते हैं और चीजों को जोड़ते हैं, ये सबब है, ये उसका मुसबब है, अगर ऐसे हो तो वैसे हो, तो ये जो है ना एक आदत है जो स्कूल में डलती है, और फिर स्कूल से आप आगे चलते हैं तो कॉलेज, और पूरी जिंदगी आप फिर उसी तरह से सोचते रहते हैं। अब आप सुपारको को बेशक कल उनकी फंडिंग डबल कर दें, 4 गुना कर दें, 40 गुना कर दें, लोग वही हैं, सोच वही है, दे वोंट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सोच साइंसी नहीं है। सोच साइंस ही तब होती है जब वो मंतकी हो, तो कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन तो होती है। अगर हम चिल्ड्रन में देखें कि हम वहां पे पहुंचना चाह रहे हैं, अगर वो उस तरह से कोई इदारा हो, जैसे अगर हम अमेरिका में देखते हैं नासा है, इंडिया का भी अपना है, तो वो इस तरह से एक इंस्पिरेशन तो होती है। तो हमारे ऐसे अगर हम यूथ में देखें तो कोई इस तरह से कोई इंस्पिरेशन है नहीं कि हमारे मुल्क में ये इदारा है कि हम वहां पे पहुंचना चाह रहे हैं, तो इस तरह से कोई सिस्टम नहीं है हमारे मुल्क। हाँ, और यहाँ देखें, वो इदारे हों या ना हो, अहम बात यह कि स्कूल होने चाहिए। स्कूल असल जगह है जहाँ ये सोच पैदा की जाती है। अब मैं आपको वियतनाम की मिसाल दे दूँ, मैं उससे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, हालांकि मैं सिर्फ एक ही दफा गया हूँ वहाँ पे। ये वो मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, जिसको अमरीका ने तबाह कर दिया था, बम गिरा गिरा कर उसका हशर कर दिया था, गरीब है, लेकिन उनकी सोच बड़ी मुस्बत है।
वो कहते हैं कि हमें आगे चलना है तो बस यही रास्ता है, अकलियत, साइंस। और अब आप देखें तो उनके स्कूलों से जो बच्चे निकलते हैं, जो मैथमेटिक्स के मैदान में आकर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में बैठते हैं, तो वो तो अमरीका को मात दे गए, अमरीका को मात दे गए, वो मुल्क जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड है। तो कुछ वक्त के बाद आप देखेंगे कि जिस तरह चीन ऊपर चढ़ा है ना, और चीन और वियतनाम और जो कोरिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो ममालिक हैं, वो ऊपर क्यों गए हैं? इंडिया ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन वो मुल्क ऊपर क्यों गए? बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड कि ये हाथ जोड़ने से और मंदिरों में जाने से हमारे मसले हल नहीं होंगे। मसले हल करने हैं तो थिंक रैशनली, अकल से सोचो। तो सलाम साहब के हवाले से जो उनकी सबसे मुस्तनद किताब, जो एक आम साइंस के तालिबे मेरे जैसे आए इंसान के लिए, आप कौन सी रिकमेंड करेंगे? एक तो ये, और दूसरा जो सलाम साहब का काम था या है, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? तीसरा अगर मैं जारी रखूं, मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में दो जगह आज से 30 साल पहले पढ़कर आया, हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट, और यहाँ फिजिक्स हमें कहती है डिके ऑफ अ पार्टिकल। तो इस पे मेरी जो कंफ्यूजन है इसको क्लियर किया। अच्छा। किताब कौन सी? एक तो कॉस्मिक एंगर के नाम से लिखी हुई है, ये इसके इसका मुसन्निफ सर्न रिव्यू का एडिटर था, सो इट इज अ गुड बुक। एक किसी सिख ने लिखी है सलाम के ऊपर, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, आई थिंक दे शुड बी ओके बुक्स, अवॉइड बुक्स दैट आर रिटन बाय पीपल इन हिज कम्युनिटी, क्योंकि वो तारीफों के अलावा और कुछ नहीं करते। लेकिन हाँ, मेरा ख्याल है देर इज नॉट अ गुड इनफ कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफी। अच्छा, फिर आपने ये पूछा कि सलाम के काम से हासिल क्या, प्रैक्टिकल काम क्या, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और देखें, जो सही साइंस होती है वो एप्लीकेशन को देखकर नहीं होती। मिसाल के तौर पर, कौन ये सोच सकता था कि क्वांटम मैकेनिक्स का कभी कोई फायदा होगा किसी को? क्वांटम मैकेनिक्स वो बड़ी एक अजीब मुजर्रद सी चीज मालूम होती थी कि एक पार्टिकल है, आप उसके पोजीशन और मोमेंटम को बेक वक्त नहीं जान सकते, और बात वहां से शुरू होती है। तो लोग कहते हैं जी फजूल सी चीज है। आज वो क्वांटम मैकेनिक्स आपके रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू में घुसा हुआ। आपका यहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ ना होती, कोई मोबाइल फोन ना होते, इट इज ऑल बिकॉज वी हैव लर्न टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ओबे क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये तो बताया नहीं जा सकता। मैं समझता हूं कि इसका शायद कोई, इससे कोई डिवाइस नहीं बनेगी। अब्दुल सलाम और वाइनबर्ग की थ्योरी से कभी कोई ऐसी शय नहीं बनेगी जिसको बाजार में फरोख किया जा सकता है या जिससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं, ऐसे कोई। इसको, इसका इतलाक उन सिचुएशंस के ऊपर होता है जहां एनर्जी मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स, ये जो आपके मोबाइल फोन में इलेक्ट्रॉन्स घूमते फिरते हैं, ये मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की फिजिक्स के हैं। So this is millions and billions and trillions of times bigger energies. वो energies जो इब्तदाए कायनात के वक्त थी।
तो अब एक ही इब्तदा हुई है कायनात की, उसके ऊपर इसका इतलाक होगा। जो पार्टिकल्स हम आपस में टकराते हैं जिससे हमें कुदरत के बुनियादी कानून मालूम होते हैं, उसके ऊपर इस थ्योरी का इतलाक है। तो इससे कोई ऐसी चीज बनेगी नहीं। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं भाई फायदा क्या है इसका, इससे कोई बमशम तो बना नहीं। और तीसरा क्या था? हाँ डीके, हाँ देखें हाफ लाइफ और डीके एक ही चीज है। हाफ लाइफ का मतलब ये कि अगर आपके पास कोई रेडियो एक्टिव शय है उससे तापकारी निकलती है तो कुछ वक्त के बाद, हाफ लाइफ के बाद उसकी मकदार आधी हो जाएगी, फिर उतना ही वक्त जब गुजरेगा तो मजीद आधी होगी और फिर आधी होगी और फिर आधी होगी। हम बस फिजिक्स में इसको डिके कहते हैं। तो ये न्यूट्रॉन कोई 700 सेकंड के बाद, अगर 100 न्यूट्रॉन हो तो उस डिके टाइम के बाद उनकी तादाद आधी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, 25 हो जाएगी, एक ही बात। प्रोटॉन डिके होता है, देखे ना, हमें नहीं पता कि होता है, लेकिन उसकी लाइफ टाइम इतनी ज्यादा है कि इट इज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स ग्रेटर देन द लाइफ टाइम ऑफ द यूनिवर्स। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी डिके नहीं होता, उसका भी ज्यादा लाइफ है। तो देखें इन प्रिंसिपल एवरीथिंग शुड बी अलाउड टू डिके, लेकिन फिर ये सवाल पैदा होता है कि डिके इन टू वॉट, आगे क्या चीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए किसी ने कोई रास्ता अब तक बिल्कुल सही। हालांकि प्रोटॉन जो है इट इज ए कॉम्पोजिट पार्टिकल, उसके अंदर क्वार्क्स हैं और ग्लूऑन्स हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन कॉम्पोजिट पार्टिकल नहीं है, वो एलिमेंट्री पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन किसी और छोटे जर्रों पर मुश्तमिल नहीं है, जबकि प्रोटॉन है। और इनके जो एंटी पार्टिकल्स हैं वो भी इसी, उनका भी बिहेवियर इसी तरह का ही है। तो देखे ना, इलेक्ट्रॉन है तो एंटी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है, वो तो उसी का डिके भी इसी तरह का ही है। या वो इलेक्ट्रॉन तो डिके करता नहीं ना, लेकिन अगर एंटी प्रोटॉन हो तो एंटी प्रोटॉन भी उसी तरह से डिके करेगा, लेकिन एंटी प्रोटॉन है ही नहीं, इतने कम है। पानी आप लें तो पानी में प्रोटॉन ही प्रोटॉन है। अच्छा, मेरा सवाल इस वाले से कि डॉक्टर सलाम 79 में अपनी थ्योरी दे देते हैं और 79 में हमारा मसला बंगाल का शुरू हो जाता है, 68 फिर 70s का पूरा एक हमारा एक इशू है, 79 में वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं और नोबेल प्राइज भी हो जाता है। अच्छा, इसको आप एक इमरान खान की अगर उसकी थ्योरी में देखें तो साजिश हुई है या ये हमारा एक बगट लगता कि बिल्कुल उसी एरा में, उसी इंटरवल में सारा कुछ होता है, जो कि हमें एक बुत चाहिए, हमें होता है एक, हमें जिस पे इंस्पायरेशन कहते हैं, हमें, हम इंसान बुत परस्त था, बुत परस्त बुत चाहिए होता है जिसको इंस्पायरेशन लेनी चाहिए, वही बुत जो है ना उसी वक्त बनता है और वो डिजॉल्व हो जाता है हमारी पोलिटिकल सिचुएशन में। तो इसको हम बैड लक कहेंगे या कोई इमरान खान की कोई नहीं, देखें जो थ्योरी, जो वीक इंटरेक्शंस पर काम हो रहा था वो लंदन में हो रहा था, कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में हो रहा था, यहाँ तो नहीं हो रहा था। इधर जो कुछ होता है उसका उसके ऊपर असर नहीं होता। तो 68 में अयूब खान का दौर ख़त्म हुआ, 69 में याया आया, 70 में वो गड़बड़ हुई, 71 में अलैदगी हो गई। तो उसका सलाम के काम के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जो ढाका यूनिवर्सिटी में फिजिक्स होती थी वो बहुत ही कमज़ोर थी, कम थी। तो साजिश किस तरह से हुई? नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि जो यानी हमारे बैड लक कह लें कि इस वक्त ये शख्सियत बन रही थी, यानी इसका इमेज बन रहा था, इसका एक हमारे लिए एक जिस तरह
यंगस्टर कहते हैं कि इंस्पायरेशन चाहिए होती है, एक हकीकत है कि सर तीन क्वांटम साइंटिस्ट थे, इसी तरीके से एक शख्सियत बन रही थी। लेकिन जैसे ही वो शख्सियत इस्टेब्लिश हो जाती, नोबेल लॉरिएट हो जाता है, वो अपने आप को यानी पाकिस्तान की उन चीज़ों के साथ भी एसोसिएट करता है जिसपे आम साइंटिस्ट भी एसोसिएट नहीं करना चाहता, लेकिन उसने अपने आप को एसोसिएट किया। लेकिन जैसे ही वो बनता है उसी वक्त वो एक फिनोमेना होता है पॉलिटिकल लेवल पे, और वो इमेज बनते बनते फिजिक्स कम्युनिटी में तो अपनी जगह पे, लेकिन नेशनल लेवल पे एक इमेज बनते बनते वो रह गया। हाँ, ट्रेजेडी एक सेंस में देखें, बहुत बहुत बड़ी ट्रेजेडी। अब जब उनको नोबेल प्राइज मिला 79 में, तो बांग्लादेश ने उनको ऑनर किया, इंडिया ने किया, फिर रह गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान, ये 1979 की बात है, 1980 की बात है, बल्कि ज़ियाउल हक का ज़माना था। बड़ी एम्बेरसमेंट हो गई कि बांग्लादेश ने दे दिया, इंडिया ने दे दिया, यूरोप ने तो मान ही लिया, अमेरिका ने भी मान लिया, पूरी दुनिया मान रही है, और उसका अपना मुल्क खामोश है। तो फिर ज़ियाउल हक ने कहा अच्छा चलो इसको अवार्ड दे दे, क्या वो निशान है या हिलाल से आगे क्या होता है, सितारा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज, और फिर हिलाल से ऊपर एक है ना निशान कुछ है, वो दे देते हैं। चलो वो पार्लियामेंट में चोरी छुपे उसको दे दिया, लेकिन कभी उनको यहाँ यूनिवर्सिटी में बोलने की इजाजत नहीं मिल सकी। तो मैं उस वक्त कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में काफ़ी जूनियर था 1980 में, तो हम चाह रहे थे कि उनको मदद किया जाए, आखिर इतना बड़ा काम और दुनिया ने माना। और फिर हमारी जो हमारा जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का, वो सलाम के स्टूडेंट ने बनाया था, उसकी बुनियाद उसने डाली थी, रियाजुद्दीन ने। रियाजुद्दीन वाज सलाम्स पीएचडी स्टूडेंट, उनके जोड़वे भाई भी हैं फयाजुद्दीन, वो हयात है, लेकिन रियाजुद्दीन वर्क्ड विथ हिम, फाउंडेड द फिजिक्स डिपार्टमेंट। और हम चाह रहे थे कि वो आए नोबेल लेक्चर यहां दें कायदे आजम यूनिवर्सिटी। अब माहौल उस वक्त बड़ा खराब था, जमियत के स्टूडेंट्स ने कहा कि ये बंदा यहां आएगा हम इसकी टांगे तोड़ देंगे। तो हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन, नाम सरवर रजमी था, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं इनको यहाँ नहीं आने दूंगा। मैंने कहा कि आप क्यों नहीं आने देंगे, ये तो हमारी इतनी बड़ी हतक है कि वो इस्लामाबाद आ रहे हैं और हम उनको अपनी यूनिवर्सिटी में मदद नहीं कर सकते, जो वाहिद डिपार्टमेंट पाकिस्तान में है जहाँ उनकी बात सुनी जा सकती है, समझी जा सकती है। तो उनके साथ थोड़ी सी झड़प होगी, उन्होंने कहा कि आप अपनी सियासत कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं मैं सियासत नहीं कर रहा हूँ, यहाँ हम इंतजाम यूं कर लेंगे कि वो आकर अपना लेक्चर दे पाएंगे और कोई गड़बड़ नहीं होगी। और देखें अगर उनको ये अवार्ड मिल रहा है ज़ियाउल हक की तरफ से तो फिर इसमें क्या मजा आएगा। खैर, जो एक यूनिवर्सिटी के अंदर सियासत होती है उनकी विजिट इसकी नजर हो गई, वो कहीं नहीं जा सके पाकिस्तान में अलावा कराची यूनिवर्सिटी के। और कराची यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे वहां भी चोरी छुपे बगैर बताए लोगों को, वहां उन्होंने कोई टॉक दे दी, बट दैट इज इट। अगर तो ये नॉर्मल मुल्क होता ना तो ऐसे शख्स को जगह जगह ले जाया जाता और कितने हजारों बच्चे उनसे इंस्पायर होते, वो साइंस के मुख्तलिफ शोबों में जाते। और अच्छा, सलाम हमेशा ये कहते थे तुम पार्टिकल फिजिक्स ना करो, करो ऐसा काम जिसका डायरेक्ट कोई बेनिफिट हो, जो सवाल था ना आपका। इसलिए कि ये प्योर मैथमेटिक्स की तरह बिना एप्लीकेशन है। ठीक है, अगर आ जाए तो आ जाए, और एप्लीकेशंस तो सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स की नहीं हुई है, न्यूक्लियर फिजिक्स की हुई है। आखिर आप देखें कि अच्छी बात तो नहीं, लेकिन बम उसी से बना ना, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट मेड द बम। न्यूक्लियर फिजिक्स कहां से आया, इट केम फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। पूरा जो एपरेटस है
जो थियोरेटिकल एपरेटस है दैट केम फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स. खैर सलाम ये कहते थे कि कंडेंस मैटर फिजिक्स करो, प्लाज्मा फिजिक्स करो, एग्रीकल्चर करो, केमिस्ट्री करो. साइंस के बहुत से मुख्तलिफ शोबे हैं, इस शाख पे जाओ उस शाख पे जाओ लेकिन काम अच्छा करो, ये उनका कहना. बहुत कुछ हो सकता है अगर हमने उनको कबूल किया होता. सर कोई अब्दुल्लाह अवार्ड भी हमने कोई एस्टैब्लिश किया फिजिक्स के लिए? कोई जानता भी? हाँ, ये सलाम अवार्ड हर साल दिया जाता था, पता नहीं अब भी है कि नहीं, लेकिन सलाम के होते हुए कोई रियाजुद्दीन साहब का जिक्र आया तो मेरा ख्याल मुनासिब होगा कि उनका रोल किनका? प्रोफेसर रियाजुद्दीन, उनसे मैंने भी कुछ क्लासेस ली थी, नहीं कंटिन्यू कर सका, बहुत मुश्किल थी. उनका रोल इन मेकिंग द बॉम्ब और सलाम साहब का उसमें क्या किरदार था, मेरे ख्याल इस पर थोड़ा सा जिक्र कर लें क्योंकि आप इस पर काफी तफसीली मज़मून लिखा. दूसरा जो है इस नारे की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा. ये जो डायलेमा है कि कोई रिलीजियसली ड्रिवन है या नहीं, या प्योरली वो रैशनैलिटी और क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड आपकी साइंस होती है, इसके बारे में मेरा ख्याल है सलाम साहब का नुक्ते नज़र वहाँ वाजे हो जाते हैं जहाँ वो आपकी किताब का दिबाचा लिखती है. तो वो उसमें उनका क्या मौकफ था, थोड़ा उसके बारे में अगर आप बता दें तो ऑडियंस को मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर उनका नुक्ता नज़र. हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि सलाम साहब ने, मैंने एक किताब लिखी है छोटी सी, इस्लाम एंड साइंस, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एंड द बैटल फॉर रैशनैलिटी. तो ये मैंने लिखी थी ज़ियाउल हक़ के ज़माने में, 88 में लिखी थी. तो मैंने सलाम साहब से कहा कि आप इसका दिबाचा लिखें. मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी क्योंकि उनके साथ जो बात होती ना, बाज़ दफ़ा थोड़ी सी उसमें तलखी भी आ जाती क्योंकि उनके ख्याल से मैं मुत्तफ़िक़ थी. तो खैर मैंने उनको उसका मुसविदा भेजा, बड़ा खुश हुआ जब वो राजी हो गए उस पे. और उसमें एक चीज है जिसकी तरफ नैयर इशारा कर रहे थे, मैंने कहा कि मैंने लिखा कि अब्दुल सलाम एंड स्टीवन वाइनबर्ग केम टू द सेम थियरी ऑफ फिजिक्स. सलाम वाज इन त्रिएस्ते, वाइनबर्ग इन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स. सलाम ए बिलीविंग मुस्लिम and Weinberg an acknowledged atheist and yet they came to the same. To us par Salam sahab ne pointedly likha ke bilkul theek baat, Khud bhai ne bilkul theek baat ki hai ke science ka ek hi tarika kar hai, science se mazhab aur nasl aur rang aur isse koi fark nahi padta. अलबत्ता मेरी इंस्पिरेशन आई कुरान से, तो ठीक है बहुत सही. अब इस ये अच्छा नुक्ता है इस वक्त उठाने का, इसलिए कि बहुत से लोग समझते हैं और ये सलाम साहब बहुत इसमें कंफ्यूजन पैदा करते हैं. और मैंने उनको जब एक दफा थोड़ी सी मैंने जसारत की, मैंने कहा कि सलाम साहब आप ये भाई आप ये जो लेक्चर्स देते हैं और सुपर स्ट्रिंग्स और हायर डायमेंशंस और फिर कहते हैं कि ये गैबी डायमेंशंस हैं, तो उससे लोगों के दिमाग में बड़ी कंफ्यूजन पैदा होती है उसके नतीजे. तो इसलिए ये, और जैसे बादशाही मस्जिद का मैंने जिक्र किया और फिर वो मावराई कुवतें और उनकी बातें भी करते थे, तो मैंने कहा इस कन्फ्यूजन में आपने लोगों को मुबतला किया और इसलिए इस सवाल का अगर आप जवाब देना पसंद करें तो आप रिनायत होगी. तो दैट्स व्हाट ही एड्रेस्ड ओवर देयर. हाँ, दूसरा क्या नुक्ता? हाँ हाँ हाँ, कि रियाजुद्दीन सलाम एंड द बॉम्ब. सलाम बड़े नेशनलिस्ट थे और 71 में जब मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ तो उसके कुछ 16 दिसंबर 71 के बस कुछ 6 हफ्ते बाद भुट्टो ने मीटिंग
कॉल की थी मुल्तान में, उसमें सलाम भी थे और सलाम को खास तौर पे मधु किया गया था बिकॉज ही वाज द बिगेस्ट वॉइस इन साइंस. और इसमें कोई शक नहीं कि सलाम इसके हक में थे कि पाकिस्तान को बम बनाना चाहिए. और फिर उन्होंने अपने स्टूडेंट रियाजुद्दीन से कहा कि एक ग्रुप बनाओ और इस ग्रुप का काम होना चाहिए टू लुक इनटू द फिजिक्स ऑफ इम्प्लोजन. तो ऐसे है कि जब एक बॉम्ब होता है तो उसके इर्द गिर्द ये बारूदी मादा होता है, उसके बीच में यूरेनियम या प्लूटोनियम होता, तो जब ये बारूदी मादा फटता है तो वो सब उसको कंप्रेस करता है जिसके नतीजे में फिर एक न्यूक्लियर अमल शुरू होता और बाकी फिर आप जानते हैं. तो उसको स्टडी करने के लिए रियाजुद्दीन ने एक ग्रुप बनाया था और उसमें हमारे कई उस जमाने के कॉलीग शामिल थे. उनमें से ज्यादातर फौत हो गए लेकिन अब कुछ भी बाज उनमें से हयात हैं. ये मिला करता था आईसीटीपी में और अगरचे सलाम खुद इसमें शामिल नहीं थे लेकिन उन्होंने ये ग्रुप बनवाया था. रियाजुद्दीन उसकी सरबराही करते थे और फिर रियाजुद्दीन फुल टाइम बॉम्ब के डिजाइन के ऊपर लग गए. और मैं समझता हूं कि जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है बॉम्ब की वो उन्हीं की वजह से मुमकिन हो सकी. अच्छा, अब ऐसे है कि सच्ची बात अगर कही जाए तो पाकिस्तान को बम का डिजाइन तो मिल गया था चाइना से और सेंट्रीफ्यूग्स वो एक्यू खान लेकर आए थे हॉलैंड से, चोरी छुपे ही सही हाँ, लेकिन लाए और फिर उसको रिवर्स इंजीनियर किया कहूटा में. तो ये उस लेवल की थ्योरी नहीं थी जो पहले बम के लिए. वक्त के साथ बहुत से फैक्ट्स आम हो जाते हैं, वो पेपर्स में आ जाते हैं, किताबों में आ जाते हैं, लाइब्रेरियों में आपको कहीं ना कहीं किसी नुक्कड़ कोने में. इंटरनेट से पहले की जमाने, इंटरनेट से पहले की बात है. अब तो आप गूगल में डालें तो आपको हर चीज मिल जाएगी, तकरीबन हर चीज मिल जाएगी. तो ये दिस वाज बिफोर दैट टाइम. तो रियाजुद्दीन का मेरा ख्याल है कि थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में बड़ा अहम किरदार था. लेकिन उसके बाद फिर एक रूटीन सा काम बन गया. अब अगर आप बॉम्ब बनाना चाहें तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स मौजूद हैं, उसमें ये कि आप मुख्तलिफ पैरामीटर्स डाल सकते हैं. अगर इतना फिसाइल मटेरियल है, इतनी क्लैडिंग है, इतना रिफ्लेक्टर्स का डिजाइन ऐसा है, तो यू कैन कैलकुलेट द यील्ड ऑफ द बॉम्ब आल्सो. फिशन डिवाइसेस को टेस्ट करने के लिए तो अब कोई टेस्ट एक्सप्लोजन की भी जरूरत नहीं है. तो रियाजुद्दीन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. उनको हिलाल इम्तियाज भी मिला इस काम के लिए. उस्मानी ने भी एक जब शुरू में पाकिस्तान ने धमाका किया था तो उन्होंने इंटरव्यू दिया था वहां पे कि इंडियन साइंटिस्ट हमारे पास आए कि हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान इतना एडवांस हो चुका है. उन्होंने गालबन जिक्र किया था कि ये शुरू में हमने इस्लाम ने और आई एच उस्मानी और रियाजुद्दीन वगैरह इन्होंने शुरू कर दिया था बहुत अरसा पहले, भुट्टो से भी शायद पहले की बात है इस पे थ्योरेटिकल काम जो ना शुरू हो चुका था. तो ऐसी कोई बात है? देखिए, आई एच उस्मानी का किस्सा ये है कि जो मुल्तान की मीटिंग हुई थी उसमें भुट्टो ने आई एच उस्मानी से पूछा कि पाकिस्तान बम बना सकता. उसने उस्मानी ने कहा कि बहुत मुश्किल है. साथ में मुनीर अहमद खान बैठे थे. मुनीर अहमद खान ने मैं बना कर दूं. उसके बाद लोग उठ खड़े हुए, मैं बनाऊंगा. किसी को कुछ पता नहीं था लेकिन उसी वक्त उस्मानी की छुट्टी हो गई.
Usmani had absolutely no role to play from that day on. दूसरा डॉक्टर मैं ये प्रोग्राम घर बैठा सुन रहा था लाइव और आपने जब जाकर तैबर का जिक्र किया वो मूवी का तो मेरा उनसे रابطہ हुआ उन्होंने कहा कि जी मेरी तरफ से डॉक्टर साहब कोई पैगाम दे दें कि वो आप दिखा सकते हैं उन्होंने लिंक भिजवा दिया कहते Netflix से डायरेक्ट करना है वो दिखा दें अगर डाउनलोड करके दिखाना है तो वो दिखा दें मेरी तरफ से जो है ना यस सर अच्छा गुड गुड मेरा क्वेश्चन ये था कि जो जब बम के हवाले से उन्होंने सपोर्ट किया अब्दुल सलाम ने तो इंटरनेशनल जो पैसिफिस्ट साइंटिस्ट थे उनका क्या रिएक्शन था देखिए उस जमाने में तो ये सब कुछ जेर जमीन हो रहा था ना चोरी छुपे हो रहा था भुट्टो ने पाकिस्तान ये कह तो नहीं सकता था कि हम अब बम बना रहे हैं तो 72 में वैसे भी इतना सीरियस नहीं था उस मुल्तान मीटिंग में मैं नहीं समझ उस वक्त भुट्टो वाज टेस्टिंग द वाटर्स लेकिन 74 में जब इंडिया ने धमाका किया तो उस वक्त पाकिस्तान ने ये पक्का इरादा किया कि अब हमें बनाना है और न्यूक्लियर प्रोग्राम उस वक्त मैं समझता हूँ कि 74 आफ्टर द पोखरान टेस्ट पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ तो आगे क्वेश्चन ये है कि जो इंटरनेशनल साइंस हाँ इंटरनेशनल जो फिजिसिस्ट थे उनका फिर क्या रिएक्शन था अच्छा, अब्दुल सलाम के हवाले से तो जैसा कि मैंने अभी अर्ज की कि ये सब कुछ सीक्रेट था लेकिन सलाम अच्छा कॉम्प्लिकेशंस अब यूं पैदा हो गए 74 में वो गैर मुस्लिम हो गए उनकी रसाई अब एटॉमिक एनर्जी पीएईसी तक नहीं रही उनको अब हर चीज से अलग कर दिया गया लेकिन सलाम फिर भी बॉम के प्रोग्राम को सपोर्ट करते रहे ये जो थियोरेटिकल फिजिक्स ग्रुप है ICTP में जाकर मिलता था उधर की लाइब्रेरी से इस्तेफादा करता था उसका पूरा खर्चा सलाम साहब दिया करते थे ICTP की तरफ से लेकिन सलाम ने अपनी पोजीशन बहुत बाद में बदली मेरा ख्याल है आफ्टर 84, 85, 86 कहीं उनके उनके अंदर जो तब्दीलियां आई हैं वो बतरी थी वो अच्छा उस जमाने में एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्ट दुनिया जहां में हो रहे थे बहुत बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस थे बॉम्ब के खिलाफ न्यूयॉर्क में 1982 में 1 million पीपल डेमोन्स्ट्रेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी सेंट्रल पार्क अगेंस्ट द बॉम्ब तो ये वो चीजें हैं जिससे आलमी तौर पर बम के खिलाफ एक तहरीक शुरू हुई और सलाम बतदरीज उसकी तरफ गए तो ही देन जॉइंड पगवाश पगवाश इज एन एंटी न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन मगर बहुत बाद में सर अब्दुल सलाम का पाकिस्तान आर्मी के बारे में क्या ख्याल थे और उनके रिलेशंस कैसे थे और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ उनके क्या रिलेशंस थे आर्मी के साथ और अरबाब इख्तियार के साथ सलाम साहब बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते थे कोशिश उनकी ये थी हमेशा कि उनके साथ वो जुड़े रहें अयूब खान के साथ खास तौर पर याया के साथ मुझे पता नहीं याया के पास वक्त भी नहीं था मेरा ख्याल है वो जो जमाना था तो वो साइंस के बारे में कुछ सोच भी नहीं रहा था भुट्टो के साथ भुट्टो ने एकदम उनको अपने साथ रख लिया था और 74 तक उनके बीच में कोई किसी तरह की टेंशन नहीं थी 74 में फिर खत्म हो गया तो जो जो बड़ी ताकतें हैं पाकिस्तान में उनके साथ उन्होंने हमेशा अच्छे ताल्लुकात रखे उसमें आर्मी भी शामिल है या ही नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद द आर्मी And that, of course,
course, didn't affect his contribution to the knowledge. These relationships with the state and power centers deciding about the... Salam sahab ke taluka, jaise aapne kaha na, un idaron ke sath, taqatwar idare hain. उससे मेरे ख्याल में उनकी जो साइंसी काविशें या सोच राइट विंग नहीं हुई. वो समझ रहे थे कि स्टेट इस किस्म की नॉलेज जो मैं काम कर रहा हूँ या न्यूक्लियर नॉलेज में रियासत के तावन के बगैर नहीं चला जा सकता. शायद उनके जहन में ये हो. बिल्कुल यही बात थी कि अगर मुझे कुछ करना है यहाँ पर, पाकिस्तान के साइंसी इदारों को बेहतर करना है, मजबूत करना है, तो मुझे अरबाब इख्तदार से ताल्लुकात तो अच्छे ही रखने होंगे और मैं इधर की सियासत में नहीं आ सकता. अच्छा, इसके बरक्स ये देखें, जो क्वांटम इंडियंस में हमने देखा था, बोस नहीं लेकिन ही बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सलाम साहब की जो लेगेसी, अब हम अगर उस पर बात करें कि फिजिक्स लेगेसी, नॉलेज लेगेसी तो है, हाउ टू थिंक ऑफ प्रमोटिंग एंड फॉस्टरिंग द एक्सेप्टेबिलिटी टू हिज वर्क, कि वो इस वतन के लिए साइंस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करके गए जो दुनिया एक्नॉलेज कर रही है. शायद हम उस तरीके से नहीं कर पा रहे और ना ही मिसाल छोड़ रहे हैं अपने उन बच्चों के लिए जो साइंस पढ़ना चाहते. तो इस लेगेसी के लिए इस नशिस्त या इस किस्म की नशिस्तों के अलावा क्या किया? एक काम तो ये करना चाहिए कि जो नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स है उसका नाम कर देना चाहिए अब्दुल सलाम सेंटर फॉर फिजिक्स. बिल्कुल. दिस इज व्हाट शुड हैपन एंड हैज नॉट हैपेंड. और बावजूद इसके कि नवाज शरीफ एक्चुअली ऑर्डर्ड द नेम टू बी चेंज्ड, वो उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे, क्या नाम था उनका, ममनून ऑल्सो साइंड इट. और जो वजीर तालीम थे उनके भी दस्तखत हैं. तो ये ऑर्डर गया कि उसका नाम, एनसीपी का नाम तब्दील कर दिया जाए टू अब्दुल सलाम सेंटर. अच्छा, और साथ ये भी था कि अब्दुल सलाम के नाम से मंसूब हम 14 स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देंगे फॉर स्टडिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि स्टैंडर्ड्स तो वहीं पर है ना. लोग बरतानिया यूरोप चले जाते हैं और उधर जाक मारते हैं. उधर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको दाखला भी मिलना चाहिए. एनसीपी को जब मिला ये ऑर्डर, उन्होंने टोकरी में कूड़े में डाल दिया उसे, क्योंकि वो फौज का चलाए, फौज के मातहत. आई डोंट नो हाउ दिस इज गोइंग टू चेंज. लेकिन करना ये चाहिए कि जो आपके बड़े लोग हैं, एक ही तो बड़ा शख्स है पाकिस्तान का, और कोई नाम ही नहीं समझ में आता. निसाबी कुतुब में भी कुछ इजाजत नहीं है कि उनकी इस तरह से रिकग्निशन की जाए, व्हिच इज सैड. मतलब डॉक्टर, उस पे मौकूफ तो नहीं है ना सिर्फ एक अदारे पे. लम्स में क्या हुआ, वो एक प्रोग्राम जो उनको कैंसिल करना पड़ा था, वहां पे स्टूडेंट्स ने गालबन प्रोटेस्ट किया था. नहीं, लम्स तो था ही नहीं ना उस वक्त. लम्स की बात नहीं, मैं कायदे आजम यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ. नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि एक प्रोग्राम लम्स वाले करवाना चाह रहे थे डॉक्टर सलाम पे, तो उसमें स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था और उसको मेरे ख्याल नहीं है ये लम्स का, मुझे मैंने कभी ऐसे सुना नहीं है. मैंने खुद सलाम के ऊपर कई प्रोग्राम किए हैं लम्स में. ये लम्स में ऐसे नहीं. अच्छा, कहीं और शायद हुआ हो. हाँ, जो जी सी है गवर्नमेंट कॉलेज, उधर अब्दुल सलाम सेंटर फॉर मैथमेटिक्स है, स्कूल फॉर मैथमेटिक्स, अब्दुल सलाम स्कूल फॉर मैथमेटिकल साइंसेस. उसके ऊपर वो बोर्ड नहीं लगाते, उनके स्टेशनरी पे नहीं है कहीं भी. वो ये नहीं कहते अब्दुल सलाम सेंटर फॉर
मैथमेटिकल साइंस, वो क्या किया जाए अब। वैसे भी उसको वो खत्म कर रहे हैं, सुना ये फैकल्टी अब कोई भी नहीं रही उधर, या बहुत कम रह गई है। बड़ी अजीब सी बात है कि भुट्टो के साथ इनके इतने अच्छे ताल्लुकात थे 74 तक, और वो इस कानून पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सका जो कानून पास हो रहा था। ये बड़ी और ट्रेजेडी का डायमेंशन है कि मतलब कि मैं ताल्लुकात है तो भुट्टो ने थोड़ा सा ख्याल तो रखना था कि इतना टावरिंग फिगर है और प्लस। नहीं देखें, वो बहुत छोटी बात है, साइंस की बात बहुत छोटी बात है, इधर पावर की बात थी, इधर वो भुट्टो ये समझ रहे थे कि जो उनकी गद्दी लरज रही है तो शायद वो अपने आप को बचा सकेंगे ये काम करके, उनका दिल इसमें नहीं था, वो तो खुद तो कोई मजहबी आदमी था नहीं, मसलियतों का शिकार हो गया, बिल्कुल बिल्कुल मौका परस्ती और कुछ। ठीक मेरा ख्याल है, खैर एड्रेस तो हो गए अलबत्ता, मैं इनका लुबे लुबाब बता देता हूँ। शुएब कहूट हैं, सप्तैन अब्बास हैं और नदीम राशिद हैं। इनका यही कहना है कि जो पाकिस्तान में एक तवाहम परस्ती का रुझान है, रैशनैलिटी नहीं है, सेक्टेरियनिज्म है, वायलेंस है, एक्सट्रीमिज्म है, इन हालात में एक रोटन सोसाइटी है जो साइंस को तो कोई किसी शुमार के तार में रखती नहीं है, तो इन हालात में हम कैसे फ्लोरिश कर सकते हैं, इस पे करीबन गुफ्तगु हो ही गई है। मैं खुद आकर इजाफा करना चाहूँ तो ये कि सलाम साहब के ऊपर उनकी किरदार कुशी में, जो उनकी साइंटिफिक क्रेडेंशियल्स है उनकी किरदार कुशी के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, और लिखने वाले वो हैं जो जिनका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, और उनका नाम भी मैं लेना मुनासिब नहीं समझूंगा। वो उनके बारे में कुछ आप कह दें कि वो जो लिखते हैं तो वो क्यों लिखते हैं ऐसा, और उनको साइंटिफिक कम्यूनिटी में कितनी हैसियत हासिल है उनके दावों को जिसमें वो डिसोन उनको कर रहे होते हैं। हमारे एक सहाफ़ी हैं वो भी अक्सर खिलाफ लिख रहे होते हैं, तो उनके बारे में भी बता दें तो क्लियर द रिकॉर्ड। उनके ऊपर बस सिर्फ हंसा ही जा सकता है। और देखो यहाँ तवहमात है, यहाँ ठीक है, वो सारी जो खराबियां हैं जो एक कबायली माशरे में होती हैं, तो इसे माशरे आगे निकल जाते हैं, जैसा कि और मुल्कों में हुआ। आखिर यूरोप भी तो अंधेरे में डूबा हुआ था, इंडिया में ये योगी और सारे जो उधर के होली मैन हैं वो आखिर एक तरफ हो ही गए ना, साइंस के जोर से हो ही गए, तो पूरी दुनिया जो है वो एक तरफ बढ़ रही है। जो चीज हम शुरू में नहीं मानते बाद में तो हमें मानना पड़ता, इतनी चीजें हैं गिनवाई भी नहीं जा सकती। पहले तो तस्वीर कशी भी हराम समझी जाती थी, अब हर मौलवी जो है अपनी सेल्फियां लेता तो, तो वक्त के साथ तब्दीलियां आती। हाँ हाँ ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू विन, शायद 500 साल लग जाएं। मेरे ख्याल से एक वैल्यू है कि जब तक आप डेमोक्रेसी के अंदर अपना बिलीफ नहीं रखेंगे, एक लर्निंग सोसाइटी विच इज एबल टू कंट्रीब्यूट, तो फिर ये इरेशनलिटी चलती रहेगी विच कैन ट्रांसफॉर्म इनटू रेडिकलाइजेशन एंड नो एक्सेप्टेंस टू साइंस एंड ऑल। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू प्रमोट अ लर्निंग सोसाइटी दैट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज एंड फ्लरिश दैट वे। तो इस तरह से बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए आपको साथ साथ लोगों को एडुकेट भी करना होगा, नहीं तो ऐसे के सारे भेड़ जब एक तरफ चलने लगते हैं तो फिर वो तबाही की तरफ भी आपको ले जा सकते हैं। वी हैव टू बिलीव इन डेमोक्रेसी बट आल्सो एडुकेट।
ठीक 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 लेट्स गुड।